Hey guys, welcome back to my channel. That's Kala Girl और मैं हूँ कांक्षा. So guys, in today's video, I'm going to review Dot & Key Skin Care Hydra Essential Tonic, जो कि इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और इसकी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा जो करंट स्किन केयर रूटीन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैं कौन सा टोनर फिलहाल यूज कर रही हूँ, कौन सा सीरम यूज कर रही हूँ, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, मेरा नाइट रूटीन क्या है, ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानने के लिए मिलेगा. तो आपको ये पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टोनर के साथ बाकी कौन कौन से प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ. तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हुए अभी मुझे 2 वीक से ज्यादा हो गए हैं और फाइनली आज मैं इसका रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. तो गाइज, आप आउट ऑफ बॉक्स इसका देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूनिक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल है और बहुत ही हर टाइप की ये शेप में आता है. इसके साथ साथ जो इसके इनर पैकेजिंग भी है वो एकदम यूनिक है, कलर कोऑर्डिनेटेड इन्होंने इसे बनाया है और इसमें आपको पंप टाइप की पैकेजिंग मिलती है. ये जो टोनर है इसका फॉर्मूला अल्कोहल फ्री है, 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है और 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. इसमें कोई भी आपको हार्मफुल केमिकल नहीं मिलते, ना ही तो इसमें कोई भी मिनरल ऑयल है, ना ही तो इन्होंने इसमें आर्टिफिशियल ब्लीच का यूज किया है. इसके साथ साथ डॉट एंड की एक इंडियन ब्रांड है. 120 ml की क्वांटिटी आपको 695 rupees में मिलती है और 3 साल आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिलती है. अब देख लेते हैं इसमें की इंग्रेडिएंट क्या क्या है. सो गाइज, इसमें लैक्टिक एसिड है जो कि एक माइल्ड AHA होता है, जो कि हाइपरपिगमेंटेशन पे काम करता है, एज स्पॉट्स पे काम करता है, डल स्किन पे काम करता है और आपकी स्किन को इवन कॉम्प्लेक्शन देता है. ये एक AHA है बट ये ग्लाइकोलिक एसिड से काफी ज्यादा माइल्ड है, तो इसीलिए ये आपकी स्किन को पील नहीं करता है और इवन ड्राई भी नहीं बनाता है. इसके साथ साथ इसमें है असाई बेरी जो कि रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है. इसमें आपको विटामिन A, B, C and E सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं और ये एक हाइड्रेटिंग एजेंट है. नेक्स्ट इसमें है बुल्गेरियन रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, टोन करता है, आपको इवन स्किन टोन देता है और आपकी स्किन को एकदम हेल्दी लुकिंग और सिल्की सॉफ्ट बनाता है. इसके साथ साथ इसमें विच हेजल है जो कि ओपन पोर्स पे काम करता है, आपके जो पोर्स होते हैं उनके अपीयरेंस को रिफाइन करता है. अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टोनर है, ये क्या क्लेम कर रहा है. तो गाइस, ये क्लेम कर रहा है कि आपको हाइड्रेटेड स्किन देगा, आपकी स्किन को टोन करेगा, सूथिंग इफेक्ट देगा और पोर के अपीयरेंस को भी रिफाइन करेगा. इसके साथ साथ ये क्लेम कर रहा है कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और नेचुरली ड्यूई एंड रेडियंस लुक देगा. तो गाइज, आपको मैंने पहले भी इसकी पैकेजिंग दिखाई, तो गाइज इस टाइप से आपको इसे पंप करना है और बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग में आता है, वाटर लाइक ये टोनर है. इसकी स्मेल की बात करूं तो इसमें से बहुत ही स्ट्रांग सिट्रिक स्मेल आती है और कभी कभी वो जो स्मेल है वो आपको हो सकता है अच्छी नहीं लगे. ये टेस्ट में एकदम खट्टा है क्योंकि जब आप इसे स्प्रे करते हो तो थोड़ा बहुत आपके लिप्स पे लग जाता है. एक और भी इसके साथ जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये लगी कि सेंसिटिव स्किन वालों को हो सकता है ये टिंगलिंग इफेक्ट दे. मुझे मेरी आंखों के आसपास और मेरे लिप्स के आसपास थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट लगा. इसके साथ साथ ये आपको बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज स्किन देगा. इस टोनर को लगाने के बाद आपको आपकी स्किन खिंची खिंची नहीं लगेगी, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और ये आपके ओपन पोर्स पे काम करता है. अगर आपको भी बड़े बड़े पोर्स की प्रॉब्लम है जो कि एकदम दूर से ही दिखाई देते हैं तो ये जो पर्टिकुलर टोनर है ये आपको एक बार ट्राई करना बनता है. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑयली स्किन वालों को ये ज्यादा ऑयली बना देता है. जैसे कि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो मैंने ये फील किया है इस टोनर के बाद वो जो ऑयलीनेस है वो बढ़ जाती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर टोनर है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है. तो इसकी अच्छी बात ये है कि आपके ओपन पोर्स पे काम करता है, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है, इवन आप अपने एक्टिव एक्ने पे भी इसे लगा सकते हो. इसके साथ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टिंगलिंग इफेक्ट देता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं है और ये आपकी स्किन को ज्यादा ऑयली बना सकता है.
तो आपको पता ही है टोनर आपको कब यूज करना होता है, फेस वॉश के बाद आपको टोनर यूज करना होता है। ये एक एसेंशियल स्किन केयर है जो कि आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है जो भी एक्स्ट्रा डर्ट इम्प्योरिटीज होती है उसे भी ये क्लीन कर देता है, जो कि आपके फेस वॉश से नहीं निकलती। लेफ्ट ओवर जो मेकअप होता है उसे भी ये क्लीन कर देता है, इसके साथ साथ एक्सेस ऑयल और सीबम को भी कंट्रोल करता है। ये मैं बता रही हूँ टोनर के फायदे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टोनर है जिसकी मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको दे देता है। तो इसीलिए मुझे ज्यादा इसके बाद, इसे यूज करने के बाद मुझे मेरी स्किन ज्यादा ग्रीसी और ज्यादा ऑयली लगी। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।